हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में, जो कि 8085 के अंदर में पूछा गया था। AKTU 2018-19 में 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 8085 इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा था, 2000 से स्टार्ट किया, LXI H 4325H, LXI SP 3000H, MOV A H, ADD L, PUSH PSW, POP H END। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम था जो एग्जीक्यूट किया जा रहा था 8085 के थ्रू। एट द एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ HL पेयर, हमसे पूछा गया है कि जब ये प्रोग्राम एंड होगा, ठीक है, जब ये एंड होगा तो HL पेयर में क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान और सिंपल रास्ता है क्या, हम लोग इंस्ट्रक्शन वाइज इसको सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले एड्रेस, मिनेमोनिक्स और कमेंट्स, ठीक है, इन तीनों का अलग अलग कॉलम बना लेना है। एड्रेस 2000 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, LXI H 4325H, इसका मतलब होता है कि 4325H के डेटा को हमें HL पेयर में स्टोर कराना है। ठीक है, LXI H का मतलब कि H में हमें स्टोर कराना है इस डेटा को। अब HL पेयर में स्टोर कराया तो H में 43H और L में 25H, क्योंकि ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, 16 बिट का। 43H और 25H अलग अलग 8 बिट इसमें स्टोर हो गया। फिर 2003 पे एड्रेस पे हम क्या करेंगे, LXI SP स्टैक पॉइंटर को हम लोग एक्टिवेट करेंगे 3000H पे। ठीक है, स्टैक पॉइंटर 3000H पे सेट होने का मतलब है कि उसके ऊपर जितने भी हमारे स्टैक के स्लॉट्स हैं उतने से सबसे जो डाउन वाला स्लॉट होगा वो हमारा 3000H होगा। ठीक है, इसके ऊपर 2FFH है, इसके ऊपर 2FFEH होगा, तो उसके ऊपर ऐसे करके बहुत सारे स्लॉट होंगे, पर यहाँ पे हम लोगों ने दो रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैक पॉइंटर सेट हो गया, इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, MOV A H। ठीक है, A H क्या करेगा, मूव 8 बिट डेटा ऑफ H इन एक्यूमुलेटर। अब जो H का डेटा है हमारा, ये जो 8 बिट डेटा है, इसको एक्यूमुलेटर में मूव कराने का काम करेगा MOV A H। A में आ गया हमारा 43H जो कि H में हमारा स्टोर था। ठीक है, अब यहां पे दो दो का गैप लेके इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 8085 में हमने पढ़ा था कि उसमें जो है एक एड्रेस पे हम 8 बिट स्टोर कर सकते हैं डेटा। ठीक है, तो 8 बिट H का, 8 बिट L का, यहां से दो एड्रेस हम लोगों ने स्किप किए 2003 पे आए। फिर यहाँ स्टैक पॉइंटर का ये और 2FFH का ये हमारा स्लॉट दो हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया। उसके बाद हम लोग 6 पे आए, 4 और 5 सेट हो गया। 6 पे आएंगे तो मूव A H को मूव कराया। इसके बाद हम लोग 2007 पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो 8 बिट रजिस्टर्स हम लोग के यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, सिंगल 8 बिट रजिस्टर यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 2007 एड्रेस पे क्या होगा, एड एल, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा है एड एल। एड एल का मतलब है कि जब ए में अब जो डेटा है हमारा उसको हम L में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड डेटा ऑफ A विद L। A हमारा क्या है, 43H, हम लोगों ने एक्यूमुलेटर में अभी H का डेटा डाला था। L हमारा क्या है, 25H। ठीक है, 43H को बाइनरी में लिखा, 25H को बाइनरी में लिखा, दोनों को ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो बाइनरी में आया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है हमारा, ये 4 बिट्स हमारी 6 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये 4 बिट 8 को, यानी कि रिजल्ट आएगा हमारा 68H जो कि A में स्टोर होगा। ठीक, फिर अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, पुश PSW। PSW का मतलब होता है कि फ्लैग रजिस्टर प्लस एक्यूमुलेटर डेटा, इन दोनों का डेटा जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का PSW बनता है। फ्लैग रजिस्टर में हमें पता है 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें कि 5 बिट हमारी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, बाकी की 3 बिट हमारी जीरो होती है या फिर फ्री होती है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया तो रिजल्ट में आप देखिए, मैंने आपको बताया था 8085 के रिजल्ट से हम लोग किस तरीके से फ्लैग्स को काउंट करते हैं या फिर फ्लैग्स को निकालते हैं। तो अगर साइन फ्लैग की बात करें तो क्योंकि इसका D7 बिट जीरो है तो साइन फ्लैग जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ वन यहाँ पे 1 2 3 ऑड है तो हमारा पायरिटी फ्लैग भी जीरो है। क्योंकि ये सारे जीरो नहीं है इसलिए हमारा जेड फ्लैग भी जीरो है, यानी कि ये भी हमारा रीसेट है, ये भी रीसेट है, ये भी रीसेट है। AC D3 बिट पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ इसलिए हमारा ऑक्सिलरी कैरी भी रीसेट है और ये जीरो है। कैरी भी हमारा कोई D7 पे जनरेट नहीं हुआ इसलिए कैरी फ्लैग भी हमारा जीरो है। ठीक है, तो मतलब सारे ही फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट पूरा जीरो है। एक्यूमुलेटर का डेटा ये है 68H, यानी कि 0110100। ठीक है, तो ये हमारा PSW का कंटेंट आ गया। PSW के कंटेंट को हम लोग स्टैक में रखते हैं। ठीक है, 3000H पे हम लोग का स्टैक का
एंड है, ठीक है, ये हम लोग का लास्ट स्टैक स्लॉट है। इसके ऊपर हम लोग इस डेटा को रखेंगे, 2FFH में हमारा 68 आएगा और 2FFEH में हमारा 00 आएगा, जो हमारा फ्लैग का डेटा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब हम पॉप करेंगे, पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करके 2009H एड्रेस पे हम लोग पॉप एच का यूज करेंगे। पॉप एच यानी कि पॉप आइटम्स इन स्टैक लोड HL पेयर बाय पॉपिंग डेटा, इस डेटा को पॉप करते हुए HL पेयर को लोड करना है। तो 00 पॉप होगा तो वो L में स्टोर होगा और 68 पॉप होगा तो वो एच में स्टोर होगा। और जब HL पेयर को हम लोग एक साथ कंटेंट चेक करेंगे तो H का है हमारा 68 और L का है 00, ठीक है। तो हमारा HL पेयर का कंटेंट क्या आ जाएगा, 6800H। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर द एग्जाम पर्पज, एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाओगे। और इंस्ट्रक्शन से किस इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, बस ये चीज याद रखना, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजिली परफॉर्म कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।